Hello everyone, welcome to the fourth part of Ancient Indian History. In this video, we are going to see about the nature of sources and historical construction. So, basically, इस वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों के बारे में देखेंगे हम कि प्राचीन भारत के समय जो चीजें थी वो कैसी थी और आज के टाइम पे जो अवशेष मिल रहे हैं या जो पहले अवशेष मिले हैं वो किस तरीके से बताते हैं कि प्राचीन भारत में कौन सी चीज कैसी थी. So under that topic, today we are going to see about the archaeological sources. Archaeological sources से हमें क्या पता चलता है and archaeological sources क्या-क्या हमें मिले हैं उन सब चीजों के बारे में हम आज देखेंगे. So on the basis of finds of the foreign and Indian scholars, sources were identified which helped to construct the history of India in proper way. जो फॉरेन स्कॉलर्स थे एंड इंडियन स्कॉलर्स थे उनको बहुत सारे सोर्सेस मिले थे, बहुत सारे प्रूफ मिले थे जिससे हम इंडिया की हिस्ट्री को वापस से कंस्ट्रक्ट कर सकते थे प्रॉपर वे में और देख सकते थे, और ये किया गया है. जो सोर्सेस मिले हैं उनको क्लासिफाई किया गया है बहुत सारे कैटेगरीज में. तो वो जो कैटेगरीज हैं उनको मटेरियल रिमेन, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस, लिटरेरी सोर्सेज एंड फॉरेन अकाउंट्स के अंदर हम दे सकते हैं. बट इसको ब्रॉडली हम अगर अच्छे से क्लासिफाई करें तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज में डिवाइड किया जाता है. सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो आज का हमारा टॉपिक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर मटेरियल रिमेन्स आ जाते हैं, क्वाइंस आ जाते हैं एंड इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख. ये तीनों जो हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आते हैं. सो मटेरियल रिमेन के अंदर क्या क्या आएगा, तो मान लिया पहले के टाइम का कोई किला वो खुदाई के समय मिला, या फिर हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के समय में वो जो ग्रेट बाथ था या ग्रेट ग्रीनरी थी वो सारे जो मिले, तो वो उस टाइप की जो चीज़ें हैं वो मटेरियल रिमेन्स के अंदर आएंगे. और भी जो चीज़ें खुदाई के समय मिलते हैं तो वो मटेरियल रिमेन्स के अंदर काउंट होंगे. देन क्वाइंस, सिक्के. पहले ज़माने के जो सिक्के चलते थे वो अगर खुदाई के दौरान मिलते हैं या कहीं से भी हमें मिलते हैं तो वो क्या हो गया, आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया. उसके बाद इंस्क्रिप्शंस. इंस्क्रिप्शन मीन्स पत्थरों के ऊपर जो लिखाई की जाती थी पहले के टाइम पे, सो उनको इंस्क्रिप्शंस कहा जाता था, शिलालेख कहा जाता था. शिला का मतलब क्या होता है, पत्थर. तो शिलाओं के ऊपर जो लेख लिखा गया उसे शिलालेख कहते हैं. तो ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं बहुत अच्छा प्रूफ देते हैं, और ये बहुत अच्छा प्रूफ इसलिए देते हैं बिकॉज ये जितने भी प्रूफ हैं ये ऑथेंटिक हैं, इनके साथ मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता है. फिर जो दूसरे सोर्स हैं वो है लिटरेरी सोर्सेस. तो लिटरेरी सोर्सेस को दो पार्ट में डिवाइड करके हम देखेंगे, इंडिजीनस लिटरेचर एंड फॉरेन लिटरेचर. इंडिजीनस लिटरेचर यानी जो इंडियंस लोगों के द्वारा लिखा गया है, इंडियन टेरिटरी के अंदर लिखा गया था. एंड फॉरेन लिटरेचर मीन्स कुछ लोग जो घूमने के लिए आए थे किसी भी कारण से इंडिया को देखने के लिए, या फिर रिलीजियस कारण से, या फिर किसी राजा के द्वारा कोई राजदूत भेजा गया था पास्ट में इंडिया में, तो उसने जो चीज़ें लिखी, उसने जो लिटरेचर लिखा, वो सारे जो है फॉरेन लिटरेचर के अंदर काउंट होंगे. ओके, सो आज हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में. सो मटेरियल रिमेन्स. मटेरियल रिमेन्स जो मिलते हैं वो एक तरह से बैकबोन प्रोवाइड करते हैं अपने हिस्ट्री को. क्यों? क्योंकि मटेरियल रिमेन्स मिले मीन्स वी आर हैविंग ऑथेंटिक प्रूफ कि पास्ट में चीज़ें ऐसी थी, और इन चीज़ों के साथ मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कोई किला मिला था तो भाई किले को हम वापस से रिकन्स्ट्रक्ट करके, वापस से उसको ज़मीन में गाड़ के हम ये तो नहीं बोलेंगे कि ये किला जो है इतने हज़ार साल पुराना था. नो, दैट्स वाई मटेरियल रिमेन्स जो है वो बैकबोन की तरह है, वो रीढ़ की हड्डी की तरह है हिस्ट्री की, क्योंकि इसी के ऊपर हिस्ट्री को हम बहुत अच्छे से खड़ा कर सकते हैं बेस बना के. इन अदर वर्ड्स, टू नो हिस्ट्री वी मस्ट हैव सम डेफिनेट सोर्सेस इन आवर हैंड. इतिहास को अगर हमें बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में जानना है तो हमारे हाथ में कुछ डेफिनेट सोर्स होना चाहिए. तो वो डेफिनेट सोर्स का काम क्या करता है, मटेरियल रिमेन. ओके, मटेरियल रिमेन के अंदर जैसे किसी बर्तन का टुकड़ा मिला, तो बर्तन का टुकड़ा मिला और हमने उसके ऊपर रेडियो कार्बन मेथड से उस बर्तन के टुकड़े का टाइम पता किया कि हाँ ये कितना साल पुराना है, ये कितने हज़ार साल पुराना है, तो वो बर्तन का टुकड़ा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था, तभी तो हमें एक्सकेवेशन के टाइम मिला, खुदाई के टाइम मिला. उसी तरीके से जो टेम्पल्स होते हैं, जो मूर्तियाँ होती है
और जो आर्कियोलॉजिकल एंड आर्किटेक्चरल एंड आर्टिस्टिक हिस्ट्री जो है इंडिया का गुप्ता पीरियड से लेके रिसेंट टाइम का, वो सारी चीज़ें भी दर्शाई जाती है मटेरियल रिमेंस के द्वारा। ठीक है, जैसे जैसे हम खुदाई करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम फेज की। तो उस टाइम फेज में किस टाइप का आर्किटेक्चर फॉलो होता था, किस टाइप के मंदिर बनते थे, किस टाइप की मूर्तियाँ बनती थी, वो सारी चीज़ें जो है मटेरियल रिमेंस हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बता पाता है। ठीक है, भले ही उसकी जुमा नहीं होती है बट वो हम उनसे वो सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। मटेरियल रिमेन्स एक्सकेवेटेड एंड एक्सप्लोर्ड आर सब्जेक्टेड टू वेरियस काइंड ऑफ साइंटिफिक एग्जामिनेशन। और क्योंकि आज के टाइम पे हम मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, वी आर वेरी मच क्या बोलो, हमें बहुत गर्व है कि हम मॉडर्न एरा में जी रहे हैं, सो वी आर यूजिंग साइंटिफिक इक्विपमेंट्स टू नो द डेट्स ऑफ द थिंग्स। जो एक्सकवेशन के टाइम चीज़ें मिली हैं उन चीज़ों का डेट पता करने के लिए हम साइंटिफिक अप्रोच भी यूज़ कर रहे हैं। और आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ हो रही है आर्कियोलॉजी के अंदर किसी चीज़ का डेट फाइंड करने के लिए, दैट इज़ रेडियो कार्बन मैथड। रेडियो कार्बन मैथड यूज़ हो रहा है, साथ ही साथ आज के टाइम पे कंप्यूटर तो हर जगह पे आ गया है, तो हम कंप्यूटर्स को भी यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों के अंदर ताकि हम इतिहास को अच्छे से पता कर पाए। सो रेडियो कार्बन या कार्बन 14 क्या है उसके बारे में देखते हैं। रेडियो कार्बन और कार्बन 14 इज अ रेडियो एक्टिव कार्बन विच इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जो कार्बन 14 एलिमेंट है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है। ओके, और ये उसी तरीके से डिके करता है जिस तरीके से बाकी के जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो डिके करते हैं, दैट इज़ एट यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट से जिस तरीके से रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डिके करते हैं उसी तरीके से कार्बन 14 जो है वो भी डिके करता है। और कार्बन 14 जो है हर लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, When an object is living, then the process of decay of carbon 14 is neutralized by absorption of carbon 14 through air and food. तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर कार्बन 14 जो है वो प्रेजेंट रहेगा, और जब तक ये ऑर्गेनिज्म, ये जो चीज़ है, ऑब्जेक्ट है, ये अगर जिंदा है तो कार्बन 14 जो इसके अंदर रहेगा वो बैलेंस रहेगा, न्यूट्रलाइज रहेगा। कैसे? तो हमने क्या देखा कि कार्बन 14 जो सब्सटेंस है वो अदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की तरह यूनिफॉर्म तरीके से डिके हो रहा है। तो ये डिके होगा दैट मीन्स ये लूज कर रहा है अपने आप को, बट क्योंकि ये अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये जब खाना खाएगा, जो मिनरल हैं, जो हम खाना खा रहे हैं तो मिनरल्स एंड ये सब चीज़ें जो हम बॉडी में इंटेक कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन 14 एलिमेंट जो है वापस से बॉडी में इंटर करता है। तो जितना लूज़ किया उस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने कार्बन 14 को, वो चीज़ वापस से अब्जॉर्ब हो जा रही है एयर एंड फूड के थ्रू। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कार्बन 14 का जो बैलेंस है वो उतना ही रहा, न्यूट्रल हो गया, ये जितना बाहर निकला उतना ही बॉडी में वापस आ गया। बट अगर ये ऑब्जेक्ट मर जाए, ठीक है, तो जब ये मर जाएगा तो ये खाना खाना बंद कर देगा, सांस लेना बंद कर देगा, तो ये जो इंटेक था ये ख़त्म हो गया, फिर क्या होगा, सिर्फ कार्बन 14 जो है डिके हो रहा है उसके अंदर, कार्बन 14 जो है उस बॉडी के अंदर वापस नहीं आ पा रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा कि सिर्फ लॉस होगा कार्बन 14 का। सो बाई मेजरिंग द लॉस ऑफ कार्बन 14 कंटेंट इन एंशंट ऑब्जेक्ट इट्स एज कैन बी डिटरमाइंड। और इस लॉस को पता करके हम ये जो ऑब्जेक्ट था इसका डेट हम पता कर सकते हैं कि ये कितना पुराना है। थ्रू एन एग्जामिनेशन ऑफ प्लांट रेसिड्यूज स्पेशली थ्रू पॉलन एनालिसिस द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ द पास्ट कैन बी नोन। अगर हम प्लांट रेसिड्यूज जो हैं, मीन्स पेड़ पौधे के जो अवशेष हमें मिले हैं, स्पेशली पॉलन एनालिसिस अगर हम करें या फिर उन पेड़ पौधों के अवशेषों पर हम अगर एनालिसिस करें तो हम पास्ट के क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में भी पता कर सकते हैं। और ये चीज़ किया गया है, बेसिकली पॉलन एनालिसिस किया गया है, एंड पॉलन एनालिसिस से हमें पता चला कि राजस्थान एंड कश्मीर में 6,000-7,000 BC पहले जो है खेती की जाती थी। द मेटल आर्टिफैक्ट्स ऑब्टेंड हेल्प अस टू नो द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मेटल टेक्नोलॉजी। और जैसे जैसे हमें मेटल की बनी हुई चीज़ें मिलती गई
पुराने चीज़ें जो पहले के टाइम पे एग्जिस्ट करती थी. सो ड्यूरिंग एक्सकेवेशन एज वी गॉट दोज मेटल आर्टिफैक्ट, तो हमें पता चला कि क्या क्या स्टेजेस में डेवलपमेंट हुआ है मेटल टेक्नोलॉजी का. एनिमल बोन्स जो हैं वो भी मिले, तो एनिमल बोन्स को जब हमने देखा एक्सकेवेशन के टाइम, तो हमें पता चला कि कौन से एनिमल्स जो हैं वो पहले के टाइम पे पाले जाते थे, मीन्स कौन से एनिमल्स जो थे वो पालतू थे, कौन से एनिमल्स पालतू नहीं थे. तो ये कैसे पता चलेगा, हड्डियों को देख के कैसे पता चल रहा है. तो माना है कि यहाँ पे कुछ लोग रहते थे, कुछ इंसान जो हैं वो रहते थे, और तो अवशेष जो मिले इंसानों के यहाँ पे मिले, एंड इनके आसपास में ही कुछ जानवरों की भी हड्डियाँ मिली. तो जो साइंटिस्ट लोग थे, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया कि कंपेयर करके देखा कि यहाँ इधर में जो मतलब जानवर ये सब मिल रहे हैं, जानवरों की हड्डियाँ मिल रही हैं, क्या वो सारी मैच कर रही हैं. अगर मैच कर रही हैं तो उन्होंने बोला कि हाँ, एक पर्टिकुलर टाइप का जानवर था जो इंसानों के करीब में रहता था. फिर कुछ और जानवरों के अवशेष जो हैं मिले, वो हड्डियाँ जो हैं कहीं दूर पे मिली, दैट मीन्स क्या है कि ह्यूमन जो थे उन जानवरों से डिस्टेंस मेंटेन करके रखे थे. तो इस तरीके से हम बता सकते थे कि कुछ जो जानवर थे वो पालतू थे और कुछ जो जानवर थे वो पालतू नहीं थे, वो दूर थे. और इस तरीके से हम ये भी अनुमान लगा पाए हैं कि कौन से जानवर जो हैं किस काम के लिए यूज़ किए जाते होंगे. Material remains discovered from excavations and ruins speak a good deal of the past. जो material remains हमें मिलते हैं excavation के दौरान, means खुदाई के दौरान, वो एक तरीके से कुछ बोल नहीं पाते, फिर भी बहुत कुछ बोल जाते हैं. For example, the excavation at Mohenjo-daro and Harappa brought to the knowledge of the world the existence of the Indus Valley civilization. अगर हम ध्यान से देखें तो Mohenjo-daro and Harappa का जो हमें अवशेष मिला है खुदाई के दौरान, तो जब तक खुदाई के बाद हमें मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा का रिमेंस नहीं मिला था, तब तक हमें पता नहीं था कि मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा नाम का कोई सिविलाइजेशन भी था, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी था. बट जब हमें मोहनजोदड़ो हड़प्पा का रिमेंस मिला, तब दुनिया को पता चला कि इंडस जो रिवर है उसके आसपास एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी, एंड उसका नाम दिया गया इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कैसे पता चला, तो जब एक्सकवेशन हुआ एंड मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा के जो रिमेन्स मिले, उससे हमें पता चला कि इंडस वैली जो है वहाँ पे एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी. ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. By digging the old sites and mounds and discovering the material remains, historians try to understand the past. और इस तरीके से जो पुराने जो sites हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, उन जगहों की खुदाई करके एंड वहाँ पे चीज़ों को खोज के जो material remains मिलते हैं उसको read out करके historians जो हैं past को समझने की कोशिश करते हैं कि past में चीज़ें कैसी रही होंगी. अब एक word आता है archaeology. तो archaeology का मतलब क्या होता है? Archaeology is the science and method to explore and understand the ancient ruins and remains. तो ये एक बर्तन का टुकड़ा है जो पहले के ज़माने में यूज होता था, एंड एक्सकवेशन के टाइम वो हमें मिला है. सो आप देख सकते हैं कि मिट्टी के बर्तन जो है ना जाने कितने हज़ार सालों पहले ही इंसानों ने बनाना स्टार्ट कर दिया था, एंड इसके ऊपर जो है पेंटिंग भी की गई थी. सो आज के टाइम पे भी हम अगर बर्तन खरीदते हैं तो हम डिज़ाइन वाले ख़रीदते हैं ताकि वो अच्छा दिखे. तो उस समय जो चीज़ें अवेलेबल थी, उन अवेलेबल चीज़ों से पहले के जो इंसान थे वो बर्तन ये सब बनाया करते थे, एंड उसको ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते थे. सो ये जो पहले की सभ्यताएं थी वो इतना ज़्यादा एडवांस थी. अब हम देखेंगे क्वाइंस के बारे में, जो सिक्के होते हैं वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं. सो द स्टडी ऑफ क्वाइन इज़ नोन एज न्यूमिस्मैटिक. जो लोग सिक्के जमा करते हैं, पुराने सिक्के जमा करते हैं एंड उसको रीड आउट करते हैं, हिस्ट्री को जानने की कोशिश करते हैं, सो वो जो स्टडी ऑफ क्वाइंस है उसको न्यूमिस्मैटिक कहते हैं. क्वाइंस जो हैं पहली बार इंट्रोड्यूस किए गए एज मेथड ऑफ पेमेंट अराउंड 5th-6th BC.
एंशियंट क्वाइंस वे आर मोस्टली मेड अप ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉपर और लेड. जो पुराने टाइम के जो क्वाइंस थे वो बेसिकली सोने के बने होते थे, चांदी के बने होते थे, या फिर कॉपर के या फिर लीड के. बट कुशान पीरियड के टाइम का बोला जाता है कि कुशान पीरियड के टाइम के कुछ क्वाइंस मिले हैं जो बर्नड क्ले से बने थे, चिकनी मिट्टी से बने थे, एंड उसको फिर मीन्स सेक के उसको हार्ड किया गया था. तो उस टाइप के जो क्वाइंस थे कुशान पीरियड में यूज़ होता था. कुशान पीरियड क्या था? तो जो फर्स्ट थ्री क्रिश्चियन सेंचुरीज हैं वो रिलेट करते हैं कुशान पीरियड को. सो आप देख सकते हैं ये सिक्के थे जो पहले के टाइम पे यूज़ होते थे. ये कनिष्का वन के टाइम का सिक्का है. सो जो सिक्कों के ऊपर इमेज बनाई जाती थी उससे हम बहुत चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर किसी राजा की जो है इमेज बनाई गई थी उस सिक्कों पे, तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय राजा जो है किस टाइप का ड्रेसिंग करते थे. बहुत सारे सिक्के ऐसे थे जिनके ऊपर कुछ लिखा हुआ रहता था. सो उनको उन लिखे हुए चीज़ों को डीकोड अगर किया साइंटिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने, तो उन्हें पता चला कि हाँ क्या चीज़ लिखी गई है, किस चीज़ का महत्व जो है वो दिया गया है. उसी तरीके से कभी सिक्कों पे भगवान की इमेज मिलती थी, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पहले के टाइम पर भगवान को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे, जो ह्यूमन सभ्यता थी वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करती थी. वैसे जो गुप्ता पीरियड था उस समय बहुत सारे सिक्के जो हैं गोल्ड के और सिल्वर के इशू किए जाते थे. बट मेनली गुप्ता पीरियड में देखा गया है कि सोने के सिक्के जो हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होते थे. तो अब इससे हमें यह भी पता चलता है कि अगर सोने के सिक्के ज़्यादा यूज़ हुए हैं किसी राजा के रूलिंग टाइम के दौरान, मीन्स उसकी इकनॉमी अच्छी रही होगी. एंड अगर बहुत ही लो क्वालिटी के मेटल्स यूज़ करके अगर सिक्के बनाए गए थे, तो हम कह सकते हैं कि उस समय का जो राजा था उसका जो खजाना था उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा होगा, दैट्स वाई उसने सोने चांदी को यूज़ नहीं किया होगा. ये अनुमान लगा सकते हैं हम. सम ऑफ द कॉइन्स कंटेन रिलीजियस एंड लेजेंडरी सिम्बल्स विच थ्रो लाइट ऑन द कल्चर ऑफ दैट टाइम. कुछ जो सिक्के थे उसके ऊपर रिलीजियस पिक्चर्स बनी हुई थी, कुछ जो सिक्के थे उसके ऊपर लेजेंडरी सिम्बल थे. तो इन चीज़ों को देख के उस टाइम में क्या कल्चर फॉलो होती थी, उन चीज़ों का हम अनुमान लगा सकते हैं. क्वाइंस ऑल्सो कंटेन द फिगर ऑफ किंग्स एंड गॉड. जैसा मैंने कहा कि क्वाइंस के ऊपर राजाओं के एंड भगवान के भी इमेज जो हैं वो बनाए गए थे पुराने टाइम में. अब देखते हैं हम इंस्क्रिप्शंस. तो इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या है? शिलालेख, यानी जो चीज़ें पत्थरों पे इंग्रेव की गई थी. सो जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है. क्यों? क्योंकि इसको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता. एक बार अगर पत्थर के ऊपर खुदाई करके लिख दिया गया, तो बाद में अगर कोई इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा तो ये इम्पॉसिबल सी चीज़ हो जाती है. बिकॉज अशोकन टाइम का जो इंस्क्रिप्शन मिला है, उस समय वो जो लैंग्वेज यूज करते थे, जिस तरीके से लिखने का उनका प्रोसेस था, वो आज के टाइम के लोगों को क्या पता. ठीक है, तो आज के टाइम पे हमने उसको डीकोड किया है, बट बीच में जो ड्यूरेशन था, बीच में बहुत सारे लोग आए थे, तो उनके द्वारा उन चीज़ों को मैनिपुलेट कर पाना जो है थोड़ा कठिन हुआ. इसलिए जो इंस्क्रिप्शन है वो बहुत ही ऑथेंटिक प्रूफ देते हैं हिस्ट्री का, इतिहास का. सो एपिग्राफी जो होता है, एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन. जो शिलालेख की शिलालेख को डिकोड करते हैं हम, मीन्स जो पत्थरों पे दीवारों पे इंग्रेव करके चीज़ें लिखी गई थी, उन चीज़ों को जब स्टडी किया जाता है तो उसको एपिग्राफी कहते हैं. द इंस्क्रिप्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री. जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही रिलायबल सोर्स हैं भारत के इतिहास को जानने का. नॉट ओनली भारत के इतिहास का, अगर किसी और देश में भी पत्थरों के ऊपर चीज़ें लिखी गई थी एंड वो सोर्स उन्हें मिलता है, तो वो जो है रिलायबल सोर्स है. इंस्क्रिप्शंस आर द कंटेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट्स, दोज आर फ्री फ्रॉम लेटर इंटरपोलेशंस एज इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऐड समथिंग टू इट एट अ लेटर पीरियड. अगर एक बार लिख दिया गया उसके बाद उस पत्थर पे उतनी जगह है नहीं कि और कुछ चीज़ें ऐड हो सके, तो इस तरीके से क्या हो गया, उन चीज़ों को मैनिपुलेट कर पाना या फिर अल्टर कर पाना मुश्किल था. तो जो पत्थर जिस टाइम में लिखा गया उसी टाइम का इंफॉर्मेशन जो है उस पत्थर पे अवेलेबल है, बाद के या फिर उससे पहले वाले जो जनरेशन थी उनका इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहेगा. देयरफॉर इट कम्स इन द ओरिजिनल फॉर्म एज इट वॉज कम्पोज एंड
कंपोज इन एंड इनग्रेव. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो इंस्क्रिप्शन हैं वो टोटली ओरिजिनल फॉर्म में हम तक पहुंचे हैं. जिस समय वो लिखे गए थे उस समय से वो चीज़ें जो हैं वैसे ही हमारे पास पहुंच गई. तो ये ओरिजिनल फॉर्म में पहुंचा है, कोई मैनिपुलेशन नहीं हुआ है. इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोक एंड समुद्रगुप्त प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द सोशल एंड द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ दैट पीरियड. जो अशोकन टाइम के जो इंस्क्रिप्शन थे, समुद्रगुप्त टाइम के जो इंस्क्रिप्शन थे, उससे हमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं. हमें पता चलता है कि सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस क्या था, इकोनॉमिक स्टेटस क्या था, किन देशों के साथ बिजनेस थी, धर्म कैसा था, लोग कैसे थे, कितने पार्ट्स में डिवाइड होते थे कोर्ट के लोग, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो होता था. तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो इंस्क्रिप्शन के द्वारा हम पता कर सकते हैं. The study of these inscriptions reveal the world about Ashokan views on dharma, that is on religion and conquest of Samudragupta. अगर हम देखें तो जो Ashokan inscriptions थे उससे हम पता कर सकते हैं कि अशोका का क्या point of view था धर्म के regarding. वो कौन से धर्म को follow करता था, वो उसने उस धर्म को बढ़ावा देने के लिए और क्या क्या किया, तो वो इंस्क्रिप्शंस के द्वारा हमें डायरेक्टली पता चलता है. या फिर समुद्रगुप्ता ने कितने कन्क्वेस्ट किए, कितने एरिया पर कैप्चर किया, कैसा वो राजा था, सो उन सारी चीज़ों के ऊपर जो है पहले के टाइम में इंस्क्रिप्शन में उन चीज़ों को लिखा गया है. एंड उन इंस्क्रिप्शंस को पढ़ के डिकोड करके हम उन चीज़ों को जान सकते हैं आज के टाइम पे. अमंग द इंडियन इंस्क्रिप्शंस द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द अशोका आर मेनी इन नंबर. अगर हम इंडियन इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो इंडियन इंस्क्रिप्शंस में अशोका के टाइम के जो इंस्क्रिप्शन है सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. नॉट ओनली इन इंडिया, अशोका जो था जब उसने कलिंग का वार लड़ा एंड उसके अंदर वो चेंज हुआ, मीन्स जो खून की नदी बही उसको देख के जब उसने फाइनली डिसाइड किया कि अब वो वार नहीं लड़ेगा, अब वो शांति के रास्ते को फॉलो करेगा, एंड जब उसको ज्ञान दिया गया बौद्ध धर्म का, तब उसने पूरी तरीके से बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना जो लाइफ है उसने लगाया था. तो इससे पता चलता है कि कितना बड़ा वो डिवोटी हो गया था बौद्ध धर्म को, मीन्स बौद्ध धर्म की चीज़ें उसको कितना प्रभावित कर चुकी थी कि उसने इस धर्म के प्रचार के लिए अपने बच्चों को ही नहीं अपने कोर्ट के लोगों को भी दूसरे देशों में भेजा. In order to propagate the teachings of Lord Buddha, Ashoka issued a good number of edicts. जो गौतम बुद्धा के जो teachings थे उसको सिर्फ इंडिया में ही उसने फैलाने का काम नहीं किया, आस पास के जितने भी देश थे, पड़ोसी देश थे, जिन लोगों के साथ हमारा बिजनेस चलता था, उन सब देशों में भी ये जो है धर्म का प्रचार करवाया गया अशोका के द्वारा. सो ये प्रचार कैसे करवाया गया और आज के टाइम पर हमें कैसे पता चलता है, तो जो inscriptions थे उससे हमें पता चल रहा है. These were engraved and on rocks or pillars or cave wall. और ये जो inscriptions थे चट्टानों के ऊपर, pillars के ऊपर, या फिर जो गुफाएँ थी गुफाओं के दीवारों के ऊपर करवाई गई थी engraving, यानी inscriptions जो है वो लिखवाए गए थे. They inform us about the religious zeal of the great Mauryan monarch. और इससे हमें पता चलता है कि Mauryan Empire जो है किस हद तक अपने आप को डिवोट कर चुका था लॉर्ड बुद्धा के टीचिंग्स को फॉलो करने में एंड उसको फॉलो करवाने में, मीन्स उनका जो टीचिंग था उनको स्प्रेड करवाने में. दे आर स्टिल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एज. और जो अशोका के टाइम के जो इंस्क्रिप्शन हैं वो आज के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत बन जाते हैं, जो हमें बताते हैं कि मौर्यन एज जो था वो कैसा था, उस समय चीज़ें जो हैं कैसे फॉलो की जाती थी. जो एंशंट किंग्स थे, मीन्स पहले के टाइम के जो राजा महाराजा थे, वो जमीन भी दान में देते थे ब्राह्मणों को या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को. तो जो जमीन दान में दी जाती थी राजा के द्वारा, तो जो राजा है वो इंस्क्रिप्शन इशू करवाता था और उसको बेसिकली इंग्रेव करवाया जाता था कॉपर प्लेट्स के ऊपर. ठीक है, माना कि कोई जो है राजा है उसने कोई जमीन का पार्ट जो है वो किसी को डोनेट किया, तो इस जमीन के पार्ट को डोनेट करने से पहले जो राजा है वो इंस्क्रिप्शन लिखवाएगा, मीन्स वो एक कॉपर प्लेट के ऊपर जो है वो लिखवाएगा कि हाँ जमीन का कौन सा पार्ट जो है वो डोनेट किया जा रहा है, किसको डोनेट किया जा रहा है, मीन्स अगर किसी ब्राह्मण को डोनेट किया जा रहा है तो उस ब्राह्मण का नाम लिखवाया जाएगा यहाँ पे, अगर किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को किया जा रहा है तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पे दिया जाएगा.
ठीक है, तो पहले जिसने दिया, जिसको दिया जा रहा है, फिर कोर्ट में मतलब जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो कौन कौन है, राजा किस क्लैन को मतलब बिलोंग करता है, मीन्स कौन से कुल को बिलोंग करता था वो राजा, तो वो सारी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो उस कॉपर प्लेट पे लिखवाई जाती थी। तो वो कॉपर प्लेट जो मिले हैं उसको डिकोड किया गया, तो हमें पता चला कि हाँ ये जो मतलब इधर का जो एरिया था उधर में किसका राज था पहले, एंड ये किसको जो है डोनेट किया गया था। तो ये इन सारी चीज़ों का जो इन्फॉर्मेशन है कॉपर प्लेट पे जो इंग्रेविंग करवाई गई थी, इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए थे, उससे हमें पता चलता है। तो ये एक सैम्पल है अशोकन इंस्क्रिप्शन का जो पत्थर के ऊपर लिखवाया गया था। सो आप देख सकते हैं कि ये एक टाइप से हमारे लिए कोड है, तो इसको डी कोड करना पड़ेगा तो ही समझ पाएंगे कि एक्चुअली में क्या लिखा गया था। तो ये कॉपर प्लेट्स हैं, कॉपर प्लेट के ऊपर ये सारे जो है इन्फॉर्मेशन लिखी गई थी कि क्या था, किस टाइम में क्या चीज़ें फॉलो होती थी। तो इस तरीके से हिस्ट्री को प्रिजर्व करने की कोशिश की गई। बट जो ब्रिटिशर्स थे, हमने कॉलोनियलिस्ट व्यू में क्या देखा था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो कह रहे थे दैट इंडियंस को पता ही नहीं है कि अपनी हिस्ट्री को किस तरीके से प्रिजर्व करें। ठीक है भाई, हमें 100% चीज़ें तो पता नहीं थी, बट कुछ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें मिली हैं, हमने अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने की कोशिश की है। नॉट ओनली कुछ रिसेंट ईयर्स में ही नहीं, हमने बहुत हज़ार साल पहले सही अपनी जो चीजें हैं वो प्रिजर्व किया है। सो अशोकन एपिग्राफी जो थी, मीन्स अशोका के टाइम की जो चीजें लिखी गई थी, उसको पहली बार नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया जेम्स के द्वारा। तो इन्होंने 1837 में जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस था उसको डिकोड किया, नॉर्मल लैंग्वेज में उसको डिकोड किया, तब जाके हमें समझ में आया कि हाँ क्या चीजें जो हैं वो दीवार पे लिखी गई थी। ठीक है, तो हमें अगर हम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देखें तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये राइट टू लेफ्ट लिखी गई है या लेफ्ट टू राइट लिखी गई है या ऊपर से नीचे लिखी गई है या नीचे से ऊपर लिखी गई है। ठीक है, तो ये जो बंदा था ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में काम करता था और ये एक सिविल सर्वेंट था। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। चल देन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।